जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका अपने YouTube चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेल पुलिस, PSC पुलिस और थानों की पुलिस के बारे में मैं आप सबको सिलसिलेवार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इनमें व्यवस्थाएं क्या होती हैं और इनकी ड्यूटी कितने घंटे होती है और इन तीनों में अंतर क्या होता है। जब इनके बारे में आप समझ लेंगे तो अंतर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मूवमेंट क्या होता है और जेल पुलिस और थानों की पुलिस को मूवमेंट क्यों नहीं करना पड़ता है, इनमें मूवमेंट क्यों नहीं होता, जबकि PSC और आर्मी जैसी फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, और ये मूवमेंट कौन करवाता है, इन्हीं के बारे में हम सिलसिलेवार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पर कंपनियों को प्रतिस्थापित करना ही मूवमेंट कहलाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो यूपी का अगर स्ट्रक्चर समझें कि यहाँ पर 33 बटालियन हैं और एक बटालियन में कई कंपनियाँ होती हैं और वो कंपनियाँ अपने अपने ज़िले में तैनात होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें कि एक कंपनी लखनऊ में है और दूसरी कंपनी फैज़ाबाद में है, तो जब मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि प्रतिस्थापित होगा, यानी कि जो लखनऊ वाली कंपनी है वो फैज़ाबाद चली जाएगी और फैज़ाबाद वाली कंपनी वो लखनऊ में आ जाएगी, यानी कि जो उनका काम होगा वो वहाँ पर उनका वो टेक ओवर कर लेंगे। और जो तो इस प्रकार से प्रतिस्थापित क्रिया हो जाती है, यानी कि इसे ही हम मूवमेंट कहते हैं। अब मूवमेंट जो होता है वो जेल पुलिस या थानों की पुलिस में नहीं होता है, आप समझ गए होंगे, इसलिए क्योंकि वो अस्थाई फोर्स है, उनको जेल में ही ड्यूटी करनी है, जो जेल के जो कांस्टेबल हैं, और जो थानों के हैं वो अपने थानों पर रहते हैं, तो उनका मूवमेंट नहीं होता है, उनका एक एरिया होता है, तो उसी में वो अपना ड्यूटी वहीं से अपने एक स्थान से करते रहते हैं। अब देखिए, जो मूवमेंट कौन करवाता है और कितने दिन में होता है। देखिए, जो मूवमेंट होता है ये अगर हम यहाँ की बात करें UP PSC की, तो PSC हेड जो होती है वो शेड्यूल बनाकर हर 60 दिन पे, ये शेड्यूल बना है कि 60 दिन पे जो कंपनियाँ हैं पूरी PSC की UP में, वो सब एक दूसरे से प्रतिस्थापित करेंगे, यानी इनका मूवमेंट होगा। और इनका नियम ये होता है कि मिनिमम 60 दिन में इनका मूवमेंट कराया जाएगा। अब जब मूवमेंट 60 दिन का होता है, कभी कभी 70 दिन 80 दिन भी हो जाता है, ये बढ़ भी जाता है। जब प्रदेश किसी ऐसी परिस्थिति या घटना से दो चार हो रहा हो या जूझ रहा हो या उसको तो वैसी परिस्थिति में या चुनाव हो रहा हो तो वैसी परिस्थिति में मूवमेंट को टाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब इस मूवमेंट का, जो आप समझ गए कि ये 60 दिन या इससे अधिक दिन में होगा, इससे कम दिन में नहीं होता है। अब देखिएगा, जो मूवमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मूवमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कंपनियों का मूवमेंट, दूसरा पर्सनल मूवमेंट। जो कंपनियों का मूवमेंट होता है उनमें सभी जवान और आपके जितने PC होंगे और जो आपके सब इंस्पेक्टर होंगे वो आपके साथ में होंगे, सब साथ में मूवमेंट करते हैं। लेकिन एक जो पर्सनल मूवमेंट होता है उसमें वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी जवानों को उठानी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले कंपनियों का आप समझते हैं। जैसे एक कंपनी है दूसरी कंपनी का, जब वो एक उसका उसकी ड्यूटी जब अदला बदली करती है तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी राजकीय संपत्ति होती है और जितने भी शस्त्र वाले जितने भी होते हैं और जितने भी आपके बैग एंड बैगेज हैं, और इन सब चीज़ों के साथ में मूवमेंट कराया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर PSC ऐसी होती है दोस्तों, या फिर आर्मी ऐसी होती है कि उनको अगर छत ना मिले तो वो तुरंत अपना छत बनाकर रह सकते हैं, अपना कैंप बनाकर रह सकते हैं। तो इन सब सामानों को लेकर इन्हें अपने साथ चलना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है जवानों को एक प्रकार से चैलेंजिंग टास्क होता है। अब देखिए, पर्सनल मूवमेंट क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, क्या होता है कि ये जो कंपनी होती है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर, एक कंपनी में 100 से 150 जवान होते हैं, लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर कंपनी हो। और जब एक ही जगह पर कंपनी नहीं होती है तो ये कंपनियां बढ़ जाती हैं, जैसे आवश्यकता है, जैसे लखनऊ में कोई कंपनी आई तो कुछ कंपनी जेल में, कुछ जैसे आवश्यकता पड़ी तो 10-20 जवान चले आए, कुछ कहीं पर किसी जज के आवास पर लगी हुई है या फिर कहीं इस तरीके से ड्यूटी, तो मान लीजिए कंपनी 2-3-4 जगह बढ़ गई और एक पोस्ट है, मान लीजिए कि जज का घर है, अब वहाँ पर 10 जवान लगे हुए हैं, 10 जवान की आवश्यकता है, 10 जवान भेज दिए गए। अब क्या हुआ कि अचानक जवान को आवश्यकता पड़ी कि वहाँ पर उसको छुट्टी जानी, तो उसको आवश्यकता पड़ी तो वहाँ से जवान जब छुट्टी जाएगा तो जवान की वहाँ पर कमी पड़ जाएगी, और जब कमी पड़ जाएगी तो उसकी पूर्ति करना पड़ेगा, और उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बटालियन से होगी और बटालियन मुख्यालय से होगी। तो जब मुख्यालय से जवान को जब भेजा जाएगा तो वो जवान, जब एक या दो जवान की कमी पड़ती है
तो वो उसको जब वहाँ से चाहे 100 किलोमीटर हो चाहे 2-3 जिला पार करके हो, तो वहाँ से उसको अकेले पूरे जो सामान के साथ में आना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए अकेले या 2 लोगों के लिए कोई बस या फिर ट्रक नहीं जाता है PSC का या फिर आर्मी का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उनको पर्सनल मूवमेंट यानी कि पर्सनल करना पड़ता है, उनको अपनी पर्सनल गाड़ी या जैसे भी आप जाना चाहते हैं आपको बता दिया जाएगा, यहाँ से आपकी रवानगी हो जाएगी और वहाँ पर आपको समय दे दिया जाएगा कि इस समय पर आपको वहाँ पर आपकी आमद करानी है, पहुँचना है। तो दोस्तों ये होता है मूवमेंट और आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं और फिर थानों की पुलिस या फिर जेल की पुलिस में मूवमेंट की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।